गुलाम नबी आजाद ने खोले कांग्रेस के पन्ने, राहुल गांधी पर किया चौंकाने वाला दावा, बोले इन कारोबारियों से मिलते हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अवांछनीय कारोबारियों से ताल्लुकात हैं। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आजाद ने कहा कि वो विदेश जाते हैं और अवांछित कारोबारियों से मिलते हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद नाम की अपनी अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद से अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए आजाद के बयान पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पूछा कि ये बिजनेसमैन कौन है। गौरतलब है कि राहुल गांधी पिछले काफी समय से गौतम अडानी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 8 अप्रैल को अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नए पुराने नेताओं का बिजनेसमैन के साथ कनेक्शन जोड़ा था। इसमें गुलाम नबी आजाद को भी निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल शनिवार को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कुल 5 नेताओं के नाम अडानी से जोड़े थे। इसमें पहले नंबर पर गुलाम नबी आजाद का जिक्र है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के पूर्व नेता किरण कुमार रेड्डी और अनिल के एंटनी का नाम लिया गया है। राहुल गांधी ने इन लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकते हैं। राहुल गांधी के इसी ट्वीट पर गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार की पोल खोल दी है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गांधी परिवार के लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है, मैं परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत शर्मनाक बात है, मेरा कभी भी किसी बिजनेसमैन से कोई संबंध नहीं रहा। राहुल गांधी समेत उनका पूरा परिवार व्यापारियों से जुड़ा रहा। राहुल जब विदेश जाते हैं तो वो अवांछित कारोबारियों से मिलते हैं। आजाद ने आगे कहा कि मेरे अंदर गांधी परिवार के लिए बहुत सम्मान है, वरना मैं बताता कि वो देश से बाहर कहाँ कहाँ गए और किन किन उद्योगपतियों से मिले हैं, यहाँ तक कि ऐसे लोगों से भी जो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन थे। अब आजाद के लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि ये व्यापारी कौन है जिनसे उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात किस उद्देश्य से की गई थी। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद ने पिछले साल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।